नजर इस खास खबर। बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन बेगूसराय के ऑनर कृष्ण कुमार सहित सैकड़ों भोलों ने सुल्तानगंज गंगा घाट से जल भरकर देवघर के लिए प्रस्थान किया। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की एक विशेष रिपोर्ट। एक मिनट, कितना शोर मत मचाइए। बोलो नमस्कार, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बताते चले कि सावन मास में देवघर की यात्रा मंदिर में होता है। बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन बेगूसराय के ऑनर कृष्णा कुमार, कन्हैया कुमार, मृत्युंजय कुमार, निरंजन सिंह, रोशन सिंह, दिनांक 17 जुलाई 2024 बेगूसराय से सुल्तानगंज पहुंचे और 28/7/2024 को 4:30 बजे सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल को भरकर देवघर के लिए रवाना हुए। तो आइए उनसे ही खास बात करते हैं। हमारे साथ सुल्तानगंज एवं देवघर के बीच से कमरसराय से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए कृष्णा कुमार बम। तो कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। बताइए आप अभी कहाँ पे हैं, आपकी पूरी टीम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग अभी जो है सो सुल्तानगंज से पैदल यात्रा निकले हैं जल लेकर, और अभी हम लोग कुमरसार नदी पहुँचे हुए हैं, जिसमें हमारे साथी हैं कन्हैया कुमार, अमित कुमार, रोशन कुमार, मृत्युंजय जी, निरंजन सिंह इत्यादि सब हमारे साथ में हैं। कृष्णा जी, मैं जानना चाहूँगा आप लोग अपने घर से कब निकले हैं देवघर के लिए? 27 तारीख को हम लोग 6 बजे घर से निकले हैं। हथदा 6:30 बजे हम लोग ने गाड़ी ट्रेन पकड़ा था। पवित्र गंगा जल कब आप जो भरे करके देवघर के लिए कब प्रस्थान किए? 28 तारीख को, यानी आज सुबह 4 बजे। अच्छा, यानी सुल्तानगंज से बाबा धाम की दूरी कितनी है और कितने दिन में आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे? सुल्तानगंज से बाबा धाम की दूरी 110 किलोमीटर है पैदल यात्रा। और आप कितने टीम के साथ जा रहे हैं, क्या बताएंगे अपनी टीम? हम लोग टोटल 15 टीम है, 15 टीम के साथ में है। अच्छा, 15 टीम के साथ ही जा रहे हैं। कुछ हमारे ओनर साथी हैं, कुछ हमारे पड़ोस के भाई हैं, कुछ हमारे चाचा हैं, कुछ हमारी महिला ग्रुप में है। कृष्णा जी, इससे पहले आप कितने बार देवघर की यात्रा कर चुके हैं? जी, हम 2019 से कंटिन्यू जा रहे हैं पैदल यात्रा। अच्छा, यानी 2019 से कंटिन्यू। 2019 से हम और कन्हैया जी, अमित जी, ये सब, सौरभ जी, ये सब से साथ ही जाते हैं, दुर्गेश जी। जैसे अगर बाबा धाम जा रहे हैं तो बाबा से कुछ मांगने के लिए जा रहे हैं या कुछ नहीं जा रहे? बाबा से तो मनोकामना बहुत सारी है और बाबा से मांगेंगे ही, जो मन में है वो मांगेंगे ही। लेकिन उससे पहले 4-5 दिन का जो कठिन पद यात्रा होता है वो पूरा करके फिर आप लोग वहाँ पहुँचिएगा। जी जी जी। उसके साथ और भी साथी आपके साथ हैं, चलिए हम निरंजन जी से बात करते हैं, उनसे बात करते हैं। निरंजन सिंह जी, कितने बार गए हैं, कब से कब तक जा रहे हैं? लीजिए बात कीजिए, कन्हैया जी हमारे साथी हैं। हेलो, निरंजन सिंह जी, मैं कन्हैया जी बोल रहे हैं। अच्छा कन्हैया जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग, आप जो है कितने बार बाबा की नगरी गए हैं जल चढ़ाने के लिए? बाबा ने मनवांछित फल आपको दिया है या नहीं दिया है? लगा तीसरा बार है, ऐसे बारिश के बारे में पैदल यात्रा तीसरा बार। अच्छा, यानी ये आपका तीसरी कांवर यात्रा है सुल्तानगंज से देवघर के लिए? जी सर। अच्छा, यानी आप लोग पैदल जा रहे हैं फिलहाल या गाड़ी से जा रहे हैं? नहीं, अभी पैदल जा रहे हैं, सावन पैदल जाता है, इससे 12 मास 36 दिन गाड़ी से जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है पहला पड़ाव जो आप लोगों का होता है, पहला पड़ाव आप कहाँ देते, सुल्तानगंज या फिर मासूमगंज? क्या बोले, सुल्तानगंज या? जैसे अगर मान लीजिए, अगर हम लोग भी देवघर गए हैं तो हम लोग 5 दिन में देवघर पहुंचते थे, आप लोग कितने दिन में लक्ष्य बनाए हैं बाबा को जल निस्तार करने के लिए?
3 दिन यानी 3 दिन में बाबा का दर्शन भी करेंगे, बाबा के ऊपर जल अभिषेक भी करेंगे। हाँ 3 दिन, जैसे 27 तारीख का घर से निकले आज 28 का सुबह 2 बजे जल उठा जी, सुबह 2 बजे करीब में जल उठा है 4 किलोमीटर का। तो अभी आज चलेंगे, कल 28 है, कल 29 है, परसों हमारा टारगेट है 30 तारीख के जल चढ़ाए। कन्हैया जी आज का प्राप्त जो है कहाँ रखिएगा? अभी कुमारसार पार कर रहे हैं, आगे जहाँ तक चल जाए जलेबिया, फर्स्ट दिन है थोड़ा जेरा किस्ते। अच्छा यानी हमारे संवाददाता से हमें ये भी पता चला है कि सुल्तानगंज से लेकर बाबा धाम की दूरी 105 किलोमीटर है, इस बीच में 5 जगह जो पर आप हरेक कमरिया सावन से लेकर आसिन तक दिया जाता है, वैसे आप लोग अगर फास्ट बम है तो उससे कम समय में भी पहुंच सकते हैं। हमें तो पहुँच चुके हैं, 3 दिन हम लोग रास्ता तो कोई ज्यादा समय जाने वाला 6 दिन में जाता है, कोई दिन पहुँचता है। आप लोग नहीं, हम लोग बोल बम है। अच्छा आप लोग यानी साधारण बम है। हाँ डाक घर डाक बम जो है 18-19 घंटा में बाबा, हम लोग तो 72 घंटा टारगेट रहता है। चलिए कन्हैया जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टीम से जुड़ने के लिए। बाबा भोलेनाथ आपकी यात्रा मंगलमय करे, आप जो भी बाबा से मांगने जा रहे हैं बाबा वो मन बातचीत फल आपको दे, क्योंकि बाबा भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, उस शरण में जो भक्ति भाव चाहते हैं उनको नाराज नहीं करते, निराश नहीं करते, उन्हें कुछ न कुछ फल देते ही रहते हैं। कश्मीर के बदौलत आप यहाँ पर हैं, यहाँ तक जो पहुँचे बदौलत। ठीक है, इतना बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो से दिलीप यादव की रिपोर्ट।